अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। और ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि कुवैत या गल्फ कंट्री में कहीं भी आने के बाद मेडिकल होता है वो कैसा होता है। तो मैं बता दूँ आपको दोस्तों, कुवैत का बता सकता हूँ कि मेडिकल क्या मेडिकल होता है और उसमें क्या क्या चेकअप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कितने दिन बाद होता है और कब आपका एकामा आता है। तो भाई पहले तो बता दूं कि आपका जो मेडिकल होता है इंडिया में गमका मेडिकल, तो वहाँ तो भाई आपका पूरा कपड़ा निकलवा देते हैं, गजब बेइज्जती है। मतलब वहाँ ऐसा, इधर ऐसा नहीं होता है, इधर नॉर्मल होता है। मतलब इधर आपका पहला जाएगा, पहले जाओगे आप मेडिकल में तो पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मल मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं भाई, यहाँ आने के बाद हम लोगों का नॉर्मल ही मेडिकल हुआ है। तो जो लोग घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जो हम विदेश में चले गए तो फिर वहाँ हमारा मेडिकल होगा, वहाँ फेल हो गए तो फिर वापस भेज देता है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है कि भाई जब टीबी की बीमारी आ जाती है तो फिर वो आपको फिर भेज देते हैं, मतलब यहाँ इलाज करवाते हैं कुछ 1-1.5 महीने तक। तो आपका इलाज नहीं से हो तो फिर वापस आपको टर्मिनेट करके इंडिया भेज देते हैं। वो होता क्या है कि भाई जिनको बड़ी बीमारी है, जो मतलब अपने इंडिया अपना अपने उधर से पैसा वैसा दे के थोड़ा बीमारी दबवा के चले आते हैं, मतलब घूस पास दे के आप लोग समझ रहे होंगे वैसा करके आ जाते हैं, तो फिर बाद में वो मसला हो जाता है। तो इसके लिए बाकी यहाँ कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ आओगे आप तो सबसे पहले आपका ब्लड चेकअप होता है, उसके बाद एक्सरे होता है, उसके बाद वेट ले लेते हैं, उसके बाद वो शायद मेरे हिसाब से हम लोगों का रिपोर्ट 24 घंटे में आ गया था। 24 घंटे के बाद उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपका डन हो जाएगा। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चेकअप होता है और अपने इंडिया की तरह नहीं होता भाई की, मतलब जैसे अपने इंडिया की तरह, मतलब वहाँ हार्ड में फर्स्ट मेडिकल जो होता है तो नॉर्मल होता है, आने से ऑफिस से पहले ऑफिस वाला बीज अप्लाई करने के लिए करवाता है। और उसके बाद जो गमका मेडिकल होता है वो बहुत हार्ड होता है भाई, क्योंकि उसमें पूरा बॉडी का चेकअप होता है, दाग वाग नहीं रहना चाहिए कहीं भी। तो जो लोग भी आ रहे हैं सोच रहे हैं टेंशन ले रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ आके नॉर्मल मेडिकल होता है और कुछ ऐसा टेंशन लेने वाला दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको टीबी नहीं रहना चाहिए बस, टीबी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ टीबी HIV या चर के ये सब नहीं रहना चाहिए, बाकी तो सब नॉर्मल इधर चल जाता है। मतलब बाकी सीने का चेकअप होता है, सीने में दाग नहीं रहना चाहिए और बस, और वही ब्लड चेकअप होता है आपको, जैसा ब्लड में मलेरिया वलेरिया रहेगा तो वो सब बता देता है, तो मलेरिया का तो इलाज हो जाता है यहाँ, बाकी बस ऐसे ही। तो भाई जो लोग टेंशन ले रहे हैं टेंशन मत लीजिए और आइए यहाँ पे इंशाल्लाह और काम करिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा मोटा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहेगा भाई, तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इधर नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई सवाल हो तो कमेंट कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।